हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मनु की रसोई। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बनाते हैं इटालियन चटपटे आलू। और आलू तो हमारी सब्जियों का राजा है, आप किसी भी रूप में बना करके सर्व कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से बनाएंगे आलू तो सभी को बहुत पसंद आएंगे, बच्चों से लेकर के बड़ों तक। तो आप लोग भी घर पर ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर देते हैं। आलू बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर छोटे आलू लिए हैं और इनको अच्छे से हमने वाश कर लेना है, क्योंकि हमें आलू का छिलका उतारना नहीं है। तो अच्छे से हमें पहले आलू को धो लेना है और इनको हम इस तरह से टुकड़ों में काट लेंगे, दो दो पीस कर लेंगे। अगर मीडियम साइज़ का आलू है तो आप फोर पीस भी कर सकते हैं। और सारे आलू को हम इस तरह से काट करके, और इधर हम कढ़ाई चढ़ा देंगे, इसमें डाल देंगे पानी, हाफ टी स्पून नमक, और सारे आलुओं को डाल करके हमें 5 मिनट तक कुक करना है। 5 मिनट कुक होने के बाद अब आलूओं को हम निकाल करके इसका पानी हमें निकाल देना है। पानी निकल रहा है तब तक हम इधर मसाले की तैयारी कर लेते हैं। इधर हमने लिया है लहसुन, लहसुन की मात्रा हमें थोड़ी ज़्यादा लेनी है और इनको हम बारीक इस तरह से काट लेंगे। साथ में काटना है हमें हरी मिर्च, पुदीने की पत्तियाँ। हरी मिर्च को भी हम बारीक काट लेंगे, जितना बारीक रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा, खाने में टेस्ट लाएगा। तो इस तरह से हम हरी मिर्च और लहसुन दोनों को बारीक बारीक काट लेंगे, साथ में काट लेंगे पुदीने की पत्तियाँ। और एक हमने ऑर्गेनो लीफ लिया है, इसको भी काट लेंगे साथ में। ये हमारे पास प्लांट है, उससे मैंने लिया है। अगर आपके पास प्लांट नहीं है, फ्रेश लीफ नहीं है, तो आप सूखा भी ले सकते हैं, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। मीडियम फ्लेम पर हमने चढ़ा दिया है फ्राई पैन, इसमें डाल देंगे कुकिंग ऑयल। ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्च और लहसुन, दोनों को डाल करके थोड़ा सा सॉटे करेंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे धनिया, रोस्टेड धनिया हमने लिया है, प्रेस करके डाल करके अब इसमें हम सारे आलू डाल देंगे और आलूओं को अच्छे से हम चला देंगे, मसाले में मिला देंगे। और 5 मिनट के लिए हम आलू को ढक करके कुक करेंगे। उसके बाद हम खोल करके देख लेते हैं। आलू को थोड़ा सा टॉस करेंगे और हमें पानी नहीं डालना है, बस हमको हाथ से छींटा मार देना है पानी का आलूओं में। और 5 मिनट के लिए हमें और कुक करना है आलू को ढक करके। अब खोल करके इसमें हम मिला देंगे मसाला, ऑर्गेनो 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून डाल देंगे चिली फ्लेक्स। अगर आपको ज़्यादा पसंद है 1 टीस्पून भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तीखा तो होता नहीं है। और इन सबको डाल करके हम अच्छे से हमें मिला देना है। और उसके बाद हम थोड़ा सा पानी का छींटा देंगे, आलू को टॉस करेंगे। और उसके बाद हम ढक करके हमें 15 मिनट तक लो फ्लेम पर कुक करना है आलू को। बीच में हमें ज़्यादा खोलना नहीं है आलू को, एक बार आप चेक कर सकते हैं। और 15 मिनट हो गए हैं, अब इसको हम खोल करके इसमें डाल देंगे नींबू का रस, आधा नींबू लिया है हमने, आधा नींबू का रस हमने इसमें जोड़ दिया है। और ऊपर से डाल देंगे हम मिंट की, मिंट लीफ डाल देंगे, पुदीने की पत्तियाँ और ऑर्गेनो की पत्ती जो हमने फ्रेश लिया है। और इन सबको डाल करके अच्छे से हमें आलू को मिला देना है आलू को। और इस तरह से देख लेते हैं, हमारे आलू एकदम बन गए हैं। चेक कर लेते हैं, ये देखिए हमारे आलू एकदम सॉफ्ट हो गए हैं, कुक हो गए हैं। तोड़कर भी देख लेते हैं, बहुत ही केयरफुली करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आलू गर्म है। तो आप लोग इस तरह से चेक ना करें, चम्मच से, चाकू से, फॉर्क से, किसी से भी कर सकते हैं। अब इनको हम सर्व कर लेंगे। आप इसको चाय के साथ, दाल चावल के साथ बहुत ही टेस्टी लगते हैं।
और इवनिंग मॉर्निंग कभी भी ले सकते हैं। और ये हमारे आलू तैयार हो गए हैं, चटपटे टेस्टी आलू। आप लोग भी घर पे ज़रूर ट्राई करें। होप आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।